हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नारू जॉट ऑफ ब्लॉग। रिसेंटली होंडा इंडिया ने अपनी प्रीमियम सेडान सिटी के फेसलिफ्ट अवतार को भारतीय बाजार में बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक्स और फीचर्स के साथ उतारा है। बहुत ही जल्दी कंपनी लॉन्च करने वाली है फेसलिफ्ट सीआरवी, जो कि 5 सीटर और 7 सीटर एसयूवी रहने वाली है। और यही नहीं दोस्तों, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी डब्ल्यूआरबी का फेसलिफ्ट भी आने वाली है इसी साल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसलिफ्ट होंडा सीआरवी, जो कि 5 सीटर एंड 7 सीटर एसयूवी रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इसके डिजाइन डायनेमिक्स की। फ्रंट प्रोफाइल की तो कुछ इस तरह रहने वाली है, बहुत ही शानदार डिजाइन डायनेमिक्स। और फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एलईडी हेडलैम्प यूनिट, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फ्रंट ग्रिल, बीच में इल्यूमिनेटेड होंडा का लोगो, जस्ट इसके नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा, आरएस की बैजिंग, बहुत ही शानदार इसका फ्रंट ग्रिल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और वहीं एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प देखने को मिलेगा। एडम आपको ब्लैक कलर में, बहुत ही स्पोर्टी इसका फ्रंट बम्पर रहने वाला है दोस्तों। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलेगा, चारों व्हील पे डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। वहीं साइड प्रोफाइल में ओआरवीएम आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाले हैं। और 360 डिग्री कैमरा आपको मिलने वाले हैं, साइड कैमरा दिया गया है। और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही ऑफर किया गया है। विंडो के बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट और बॉटम लाइन में क्रोम लाइनिंग दिया गया है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो शार्कफिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड रियर वाइपर, बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैंप यूनिट, होंडा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आरएस की बैजिंग, सीआरबी की बैजिंग आपको दिया गया है। रियर बम्पर, बॉडी कलर दोनों रिफ्लेक्टर्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। कीलेस एंट्री आपको मिलने वाले हैं, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम, 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑटो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, साथ ही कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल कराया गया है। वहीं इसमें 6 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही आपको प्रीमियम बोस के 12 स्पीकर दिए गए हैं। हेडअप डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं, जो कि आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। और इसके साथ ही आपको यहां पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके साथ ही लार्ज पैनोरमिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है, जो कि आजकल के ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके डैशबोर्ड लेआउट काफी फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रीमियम एसयूवी जो है 5 सीटर कॉन्फिगरेशन एंड 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में दोनों ही में अवेलेबल होंगी। 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड फ्रंट सीट वेंटिलेटेड रहने वाले हैं, कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिलने वाले हैं दोस्तों, काफी शानदार डिजाइन डायनेमिक्स के साथ अवेलेबल रहने वाली है। वहीं रियर पैसेंजर्स के लिए जो एसी वेंट है वो आपको मिलने वाले हैं रूफ माउंटेड। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मिलने वाले हैं BS6 कंप्लायंट सेकंड स्टेज RDE एंड E20 कंप्लायंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IBTEC पेट्रोल इंजन, जो कि 119 bsp की पावर एंड 145 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। ट्रांसमिशन आपको मिलने वाले हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन। और टॉप एंड वेरिएंट में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि काफी जबरदस्त माइलेज के साथ आने वाली है दोस्तों। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो मिलने वाले हैं 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, ऑटो डिमिंग, IRBM, प्रिटेशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन चेकिंग वार्निंग, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट कॉम्पीट करने वाले हैं किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से। ये थी दोस्तों होंडा की अपकमिंग फेसलिफ्ट सीआरवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।